Welcome friends in another video of Nuhi's Biology. Today we will talking about pest. What is pest? Pest life cycle and pest control. यानी आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? Pest. आखिरकार pest होते क्या हैं? तो जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे जो हम इनको बोलते हैं, aphids बोलते हैं. साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इनको? Aphid. और जो किसान हैं इनको बोलते हैं अल. जो ये अल आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे जो लीफ है, ये रेडिश लीफ है, यानी मूली की पत्तियाँ हैं. और जो ये एफिड्स हैं, ये हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं. तो ये किसानों के शत्रु कहे जाते हैं, क्योंकि ये किसानों की फसल को खा जाते हैं. तो आइए हम इसको साइंटिफिक वे में पढ़ते हैं कि आखिरकार पेस्ट क्या होते हैं. विच इंसेक्ट हार्म द क्रॉप इज कॉल्ड पेस्ट. क्या कहेंगे कि जो इंसेक्ट हार्म पहुंचाते हैं किसको, फसल को, वो पेस्ट कहलाते हैं. पेस्ट्स आर आर्थ्रोपोड्स, यानी ये जो बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम को बिलोंग करते हैं, क्लास इंसेक्टा. और जो इनकी फैमिली है वो एफिडिडे, एफिडिडे, क्योंकि ये क्या है, एफिड्स हैं. अब आप देखिएगा कि ये जो मूली की पत्तियां हैं और इस पर आपको ये बहुत छोटे छोटे जो कीड़े दिखाई दे रहे हैं, यानी एफिड्स हैं. तो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, इनकी लाइफ साइकिल 8 दिन में कंप्लीट हो जाती है, यानी 1 से 8 दिन में. सबसे पहले जो एक एफिड्स होता है, एक एफिड्स कम से कम 50 to 100 एग लेइंग करता है, यानी 50 से 100 अंडे देता है. और 50 से 100 अंडों में से एक साथ ही एफिड्स निकल जाते हैं. जो आपको ये बहुत छोटे छोटे से पोर्शन दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे जो बहुत छोटा छोटा पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल इसकी अभी फ्रेश स्टेज है बिल्कुल. यानी जब एग से एकदम एफिड निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, निम्फ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इसकी लाइफ के 3 फेज होते हैं, एग, निम्फ एंड अडल्ट. जो ये यहाँ पे है, ये अडल्ट है, अडल्ट स्टेज है एफिड की. और जो यहाँ पे है, निम्फ स्टेज है. और जो बहुत छोटे छोटे आपको ये वाइट वाले पोर्शन दिख रहे हैं, ये एग के पाउचेज हैं. तो यानी 8 दिन बाद एक ये छोटे वाला निम्फ किस में चेंज हो जाएगा, अडल्ट एफिड में. और एक अडल्ट एफिड होते ही एक एफिड 1 दिन में 5 ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है. यानी वो 1 दिन में कम से कम 5 ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, यानी कितने लैगिंग कर देगा, 500. और 8 दिन बाद उससे 500 एफिड्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से अगर हम 8 दिन भी अपनी फसल्स को ना देखें तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा. तो ये तो एफिड्स की बात है. एफिड्स क्या करते हैं, तो एफिड्स क्या करते हैं, ऐसे लीफ पर नीचे वाले पोर्शन पर लग जाते हैं. देखिएगा, ये इसकी वेंट्रल सरफेस है यहाँ पे, तो ऊपर नहीं दिखाई देते एफिड्स कभी भी. एफिड्स ऊपर से हमें लीफ फ्रेश दिखाई रहती है. तो किसान अगर जाकर देखेगा तो उसको बिल्कुल फ्रेश दिखाई देगा. देखिएगा, ये अडल्ट है, बिल्कुल अडल्ट एफिड है, जिसके कि विंग्स आ जाते हैं और फिर ये फ्लाइज बनकर उड़ जाता है. ये वाला जो ब्लैक आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल अडल्ट एफिड है. तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं कि हम कैसे पहुँचाते हैं ये हमारी फसल को. यानी ये शत्रु क्यों कहे जाते हैं किसान के और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये हमारी इंडस्ट्री को पर ईयर कितना नुकसान पहुंचाते हैं. अप्रोक्सीमेट 5 to 10 लाख नुकसान हमारा एफिड्स की वजह से हो जाता है. तो सबसे पहले ये एफिड्स प्रोड्यूस होते हैं लीफ की नीचे वाली सरफेस पर, यानी लोअर साइड पर. लीफ की जो मैच्योर एफिड्स है वो एग लेइंग करता है, अंडे देता है, फिर वहाँ से निम्फ बन जाते हैं बहुत सारे, और वो लीफ की सैप को खाना शुरू करते हैं, यानी इस ग्रीन पोर्शन को खाना शुरू करते हैं. और आपने देखा होगा कि लीफ का जो ये पोर्शन है, फिर ये इस स्टेज में आकर चेंज हो जाता है. देखिएगा, ऐसे छोटे छोटे आपको गड्ढे दिखाई देंगे, यानी ऐसे ऐसे आपको सेप दिखाई देंगे जो बन गए हैं. और इस तरीके से ये इसको डैमेज करता है, और इसी तरीके से जब ये इस पर लगा रहता है, पूरी लीफ को खा जाता है. तो यानी अगर किसी ने पालक बोया है, अगर किसी ने गाजर बोई है, मूली बोई है, या सिंगड़े वाली सब्जी, यानी जो भी विंटर वाली सब्जी होती है, गोभी, ये गोभी फसल पर भी लग जाते हैं, विंटर पर लग जाते हैं, विंटर के समय. तो ये किस चीज़ पर लगेंगे,
जो भी हमारी विंटर सीजन वाली वेजिटेबल्स होती हैं उन पे लग जाते हैं और उनको बहुत ही सीरियस हार्म पहुंचाते हैं और किसान को इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। तो आइए देखते हैं कि इनके कंट्रोल करने के क्या मेथड्स हैं। सपोज दैट हमारी फसल पर एफिड्स इस तरीके से लग गए हैं, या हमारे घर में रोज है यानी गुलाब का पौधा है और गुलाब के पौधे के ऊपर जहाँ फ्लावर होता है वहाँ भी ऊपर वाले पोर्शन पर, इस साइड वाले पोर्शन पर ये एफिड्स बहुत सारे लगे हुए होते हैं, तो हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग पैराथियन, मेलाथियन यानी पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, तो हमें पेस्टिसाइड्स को अवॉइड करना चाहिए। पेस्टिसाइड्स को अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि उससे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होता है, और अगर हम पेस्टिसाइड्स गली भी सब्जियां खाते हैं तो हमारी फिजियोलॉजी भी डिस्टर्ब होती है। तो हमें आजकल ज़रूरत है बायोलॉजिकल मेथड की। जैसे कि एफिड्स लगे हुए हैं और आपने देखा होगा बीटल्स यानी बनिया जो पेड़ पौधों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, एक तो होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल बाय नेचर यानी जो नेचर खुद से कंट्रोल कर रही है, जैसे कि बहुत सारे बनिए यहाँ आ जाएंगे और एफिड्स को खा जाएंगे। बहुत सारे बीटल्स आते हैं और इनको खा जाते हैं, तो बायोलॉजिकल मेथड्स ये तो जो गॉड क्रिएट कर रहा है यानी जो हमारी फूड चेन है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, ये सबको पता है। जैसे कि हम वेजिटेबल्स खाते हैं ना वेजिटेबल्स जिंदा रहने के लिए, उसी तरीके से बहुत से जो इनसे बड़े एनिमल्स होंगे वो इनको खा जाएंगे। इसी तरीके से एक प्रे मेंटिस एनिमल होता है, प्रे मेंटिस भी एफिड्स को बहुत ही अच्छे और चाव से खाता है। तो सपोज दैट अगर वहाँ पे बहुत सारे बीटल्स हैं और प्रे मेंटिस है तो वो एफिड्स को खुद से खा जाएंगे। लेकिन आप सपोज करिए कि वहाँ पर प्रे मेंटिस या बीटल की पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पर उनकी डेंसिटी नहीं है, तो हमें इनको कैसे कंट्रोल करना है, और हमने फसल बो रखी है तो हम इनको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपने सुना होगा कि जो पानी होता है, पानी में अगर हम 10 लीटर पानी है अगर हम उसमें 50 ग्राम साल्ट यानी नमक डालते हैं और उसका छिड़काव पूरी फसल पर यानी जितनी भी हमने वेजिटेबल्स बोई है अगर 2 डेज लेटर हम उसका छिड़काव करते हैं तो एफिड्स क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं यहाँ से। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, मिट्टी में गड्ढे खोद कर और जो भी लीफ इस तरीके की हमें लीफ मिले, जहाँ पर भी हमें अपनी क्रॉप को रोज़ देखना चाहिए, जिस भी लीफ पर इस तरीके के एफिड हैं उसको तोड़ लेना चाहिए और उसको मिट्टी में गड्ढा खोद कर उन पत्तियों को दबा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारी मिट्टी है उसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बने रहेंगे और मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बने रहेंगे, और जो ये एफिड्स है ये डेड होने के बाद ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होकर सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देंगे, ना कि डैमेज करेंगे फसल को। तो बायोलॉजिकल मेथड्स का मतलब ये होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब ये होता है कि उससे कोई हार्म नहीं होता, हमारी फिजियोलॉजी को कोई हार्म नहीं होता। अगर हम केमिकल यूज़ करते हैं तो इस पे केमिकल आएंगे, हमें बहुत सारी डिजीज़ हो जाएंगी, हमारी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, केमिकल कंट्रोल्स को अवॉइड करना चाहिए और हमें बायोलॉजिकल कंट्रोल पे फोकस करना चाहिए। तो मैंने क्या बताया है कि जिस भी लीफ पर एफिड लग गए हैं, इस तरीके के एफिड लग गए हैं, अगर कम एफिड लगे हैं तो आप उनको झाड़ लीजिए, वहाँ पर एक गड्ढा खोदिए जहाँ पर क्रॉप है और उस पर मिट्टी डाल दीजिए, वो एफिड उसके अंदर मर जाएंगे और सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा एफिड लग गए हैं तो बहुत ज़्यादा एफिड करके आप क्या कीजिए, पूरी लीफ को तोड़ लीजिए और उन लीफ को कलेक्ट कर लीजिए और जहाँ आपने क्रॉप उगाई है उससे बहुत ज़्यादा दूरी पर आप एक गड्ढा खोदिए और उसके अंदर इन लीफ को, ऐसी लीफ को दबा दीजिए। ये भी बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर ही आता है। और एक आपको बताया है कि आपको साल्ट का छिड़काव करना है पानी के साथ, यानी अगर आपने 10 लीटर पानी लिया है उसमें 25 ग्राम आपको साल्ट डालना है और दो दो दिन के बाद इस पर छिड़काव करना है। दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको सपोज दैट हम कोई भी क्या करते हैं कि इसको तोड़ लेते हैं लीफ को, और इसके पास अगर आपने वहाँ रोज़ की फसल उगा रखी और आपने इसको उसके पास डाल दिया तो उस पर भी एफिड लग जाएंगे, तो आपको दूसरी फसल से इनको बचा के रखना है ताकि दूसरी फसल के बाद बिल्कुल भी इनको नहीं जाने देना है, यानी स्प्रेड नहीं होने देना है, क्योंकि ये अपनी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी के साथ इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि इनके पास वेल पावर होती है। इंसेक्ट एक बहुत ही पावरफुल इंसेक्ट होता है बिकॉज
इंसेक्ट अपनी पॉपुलेशन को बहुत ही जल्दी इंक्रीज करता है क्योंकि इसमें वेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और अपनी पावर को बहुत ही जल्दी से क्या करता है, ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी इंक्रीज करता है। तो हमें बायोलॉजिकल मेथड पर ही फोकस करना चाहिए, वैसे नहीं। और आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि जो पहले लोग होते थे वो जो उपले वाली राख होती है, यानी जो ईंधन जलाया जाता है, गोसे जलाए जाते हैं चूल्हे में, तो उस राख को अपनी फसल पर डालते थे, देखा होगा। वो ऐसे नहीं कि उनके पास दिमाग नहीं था, उस राख के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो इनको क्या करते हैं, ये इनको डैमेज करते हैं। तो अगर हम इनके ऊपर राख डालते हैं तो जो इनकी आईज हैं ये क्लोज हो जाती हैं और ये इनकी स्किन भी क्या हो जाती है, ढक जाती है, इनकी स्किन के पोर्स कवर हो जाते हैं उस ऐश के कारण। तो ये रेस्पायर नहीं कर पाते हैं और जब ये रेस्पायर नहीं करेंगे यानी ये सांस नहीं ले पाएंगे तो मर जाएंगे। तो अगर हम उपलों वाली राख भी हफ्ते में यानी 1 वीक में 2 टाइम यूज़ करें, 2 बार अगर हम इन पर राख डाल दें पूरे पर, तो तभी भी इनको कंट्रोल किया जाता है। तो आज मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है कि बायोलॉजिकली हम पेस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पेस्ट एक बहुत ही सीरियस इंसेक्ट है, हमारी इंडस्ट्री का बहुत ही सीरियस इंसेक्ट है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री को पर ईयर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है, हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को और किसान को भी, और जिसकी वजह से हमें बहुत बीमारियाँ भी हो जाती हैं क्योंकि इस पे किसान क्या करता है भाई, किसान को अच्छे पैसे कमाने होते हैं तो वो लाकर खाद डाल देगा। अब खाद डले हुए मूलियाँ हम खाएंगे, साग भी खाएंगे, पालक भी खाएंगे, सरसों भी खाएंगे, क्योंकि ये पेस्ट ऐसा नहीं है कि मूली पर ही लगेगा, ये मूली पर भी लगेगा, सरसों पे भी लगेगा, मेथी पे भी लगेगा, गाजर पे भी लगेगा, गोभी पे भी लगेगा, रोज पे भी लगेगा। और जो भी इसके पास कोई फसल होगी, सपोज दैट तुलसी का पौधा ही क्यों ना हो, तो ये तुलसी के पौधे के पास भी पहुंच जाएगा और तुलसी की लीफ को भी डैमेज कर देगा क्योंकि ये सैप सकिंग इंसेक्ट है, इसके पास पर्सिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। और जैसे कि आप देख भी रहे हैं तो बड़े ध्यान से देखिएगा आप, ये जो एफिड्स हैं ये चलते हुए जो दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही विग्रसली तरीके से ये लीफ को कट करते हैं और चीव करते हैं और सैप को खा जाते हैं। देखिएगा कितनी जल्दी इन्होंने पोर्शन को कट कट करके खा लिया है, देखिएगा जो ऐसे ऐसे हुए हैं, इसी तरीके से पूरी लीफ को खा जाएंगे और सिर्फ वेंस वेंस बच जाएगी। तो क्या कोई वेंस खरीदना पसंद करेगा? तो इसलिए हमें इनका बहुत ही माइंडली तरीके से और बायोलॉजिकली मेथड से हमें क्या करना चाहिए, इनको कंट्रोल करना चाहिए और हमारे एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूटेड होने से बचाना चाहिए, क्योंकि अगर हम केमिकल यूज़ करते हैं तो हमें बीमार नहीं होता है, उससे हमारा एनवायरनमेंट भी पॉल्यूटेड होता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा केमिकल यूज़ करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, सोइल में जाएंगे, तो सोइल में ज़्यादा केमिकल का जाना भी तो हार्मफुल है क्योंकि वो फिर हमारे एटमॉस्फेयर में जाएंगे, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए बायोलॉजिकल तरीके से पेस्ट को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, पेस्ट क्या होता है, आज मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स।